एक सौ ये देखिए 125 नंबर सवाल। पहले जरा आप बात को समझने की क्या क्या रहा है। सबसे पहली बात, अभी तक हमने जितने सवाल करे वहां पर कह रहा था कि एक संख्या है। Yes, क्या कह रहा था? एक संख्या है। तो हमने संख्या को मान लेते थे हम x। Yes, क्या मान लेते थे? पक्का? Yes, अब लेकिन बात कुछ और है। बात यह है कि अब एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन नंबर है। और फ्रैक्शन नंबर में दो नंबर होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का, यानी अंश भी होता है वो। क्लियर है? आप हमारी बात समझ रहे हैं? बस यहां पर आपको यही करना है। आपसे कहा गया एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न यानी फ्रैक्शन नंबर, सुन रहे हो ना? तो अब यहां पर आप केवल एक से नहीं मानेंगे, अब आप भिन्न को मानेंगे, फ्रैक्शन नंबर को मानेंगे कि हमारे पास नंबर है x अपॉन y। कितना है? अरे क्लियर है? तो हमारा जो एक्चुअली नंबर हमने माना है वो एक्चुअली नंबर है x अपॉन y। कोई डाउट? अब बात समझ में आ रही है? अब आपने कहा अंश में 25% की वृद्धि करें। अब देखिए ये रहा बटे का निशान। ऊपर क्या है? अंश है। नीचे क्या है? अरे पक्का? अब आपने कहा कि अंश में 25% की वृद्धि करें, यानी x का 125%। हाँ या ना? अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर दुगना करें, इन द सेंस 2y। या ना? तो प्राप्त भिन्न प्राप्त होता है, आता है, आएगा, होगा, तो प्राप्त भिन्न हो जाता है 5/9। सही है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब देखें जरा, क्या इसे हम पर्टिकुलर काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा कि स्वयं की भिन्न सेपरेटली कभी भी कट सकती है। 25 पंचे और 25 चौके। हाँ है ना? अब ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4। अब डबल बटे कहां रहेगा? ऊपर। तो सरक के कहां आएगा? नीचे। याद है ना? तो क्या हम ऐसा कह दें कि 5x/4 × 8y बराबर? कह दिया 5/9। क्या कह दिया? अब हमें फ्रैक्शन नंबर को फाइंड करना है, तो क्या हम इसे यहीं छोड़ दें? Yes, ये 8y का मतलब है 8×y। तो ये नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा। Yes, और ये ऊपर वाला नंबर 5 से 5। ऊपर कितना आ गया? नीचे कितना आ गया? यानी हमारी जो भिन्न आएगी वो आएगी 8/9। हमने कोई अलग से काम किया? आपने जो कहा हमने वही किया है। हाँ या ना? बस बेटा बनेगा उनसे जो घर में रोज प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, तो लगातार आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। बस घर से आप लोग होमवर्क करके आइए। क्या लिखा है? एक भिन्न, फिर वही बात है, एक भिन्न यानी एक फ्रैक्शन नंबर है। फ्रैक्शन नंबर को क्या माने? अब जितना बोलोगे उतना बढ़िया सीखोगे आप। हम फ्रैक्शन नंबर को क्या माने? x/y। x नहीं, अगर संख्या कही होती तो x। तो हमने कहा हमारी भिन्न है x/y। क्लियर है? अगर आप अंश में 220% की वृद्धि कर दें, 220% की वृद्धि इन द सेंस 320 है ना, तो क्या हम ऐसी लाइन खींच करके कह दें x का 320% अलग किया 100/100। हाँ ना? क्लियर है? और हर में 150% की वृद्धि कर दें, इन द सेंस y का 250%। पक्का? अच्छा, आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 320 x हो जाएगा।
अब तो ऊपर भी डबल बड्डे आएगा, नीचे भी नहीं आएगा। देखिए जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, हम लिख के बता दे रहे हैं। एक सवाल में आप ऊपर का गुणा कर दीजिए, आपने कहा 320x बटे 100 और पूरे के बटे 250y पूरे के बटे 100 आएगा या नहीं आएगा? ऐसा करने पर आप देखें, आपने कहा कि भिन्न 4/5 हो जाती है, कितनी हो जाती है? हमें सुनाई नहीं दिया, हो जाती है। इन द सेंस आंसर आता है हाँ या ना? अभी आपने लिखा था कि 320 एक्स बटे 100 और यहां लिखा था 250y/100। अब ऊपर भी डबल बटे नीचे भी, भाग का क्या हो जाएगा? गुणा, संख्या पलट जाएगी, यानी हो जाएगा 320 एक्स बटे 100 और गुणित हो जाएगा 100/100। अरे क्लियर है? सो ये 100 से 100, 100 से 100। अब ये वाई है, ये एक्स है, एक्स और वाई को यही छोड़ दे तो 25 कहां जाएगा और 32 कहां जाएगा? सो ये 25 चले गए ऊपर और 32 आ गए नीचे। 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 8 = 32 नहीं बनेगा? इसीलिए हमने कल ये सवाल रुकवा लिए थे, हर चीज की रिदम होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने, 200% करने पर 200% वृद्धि करना, इन द सेंस 300%, कितना परसेंट? अरे क्लियर है? फिर क्या लिखा है? हर में 400% वृद्धि करने। अब देखना जरा, तो करने पर परिणाम भिन्न एक सही, 20 × 1 = 20 और 21/20। सवाल बड़ा नहीं होता, अगर दो सवाल तुमने हल कर लिए तो सवाल बड़ा नहीं है। अब तुम क्या कह रहे हो? 200% वृद्धि करना है। सो आपके आ गए 300x/500y। अब आप कहोगे बटे 100/100 कहां गए? कट गए। सो जे 2 0 से 2 0, 5 कहां चले गए और 3 कहां गए? 2 लाइन में सवाल हल। सुन रहे हो? चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। एक संख्या के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में, हाँ या ना? तो आ जाएगा 115x/100 आएगा 92y/100 और हो जाएगा 15/16। नहीं आएगा? जल्दी बोलिए, आएगा? हर में अंश में वृद्धि कर दी गई है और हर में कमी है ना, तो 8% की कमी, इन द सेंस 92%। क्या ईमानदारी से बताइए, नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? अब एक्स वाई को, अब जो 100 से 100 का हो जाएगा, कट जाएगा। एक्स वाई को यही छोड़ोगे, 92 कहां चला जाएगा, 115 कहां जाएगा? अब करते रहिएगा। चलिए यदि एक संख्या, अब तो एक संख्या, एक भिन्न नहीं, अब आप मानोगे एक्स, समझ में आ रही बात? बस बेटा बोल तो चलो, भारत अध्याय एक की बात एक बहुत सरल होना है। लोगों को लगेगा कि कठिन अध्याय आ रहे हैं और हमें लगेगा ओके। क्या कहा? एक संख्या दूसरी संख्या की 80% है और उनके वर्गों का योग, हाँ या ना? अब ये रही ए, ये रही बी, आपने कहा एक संख्या दूसरी का 80% है, लेकिन यहां आ गया 164, तो अब हम 100 नहीं मानेंगे, अब मानेंगे एक्स। क्या मानेंगे? तो हमने मान लिया ये एक्स, क्यों? क्योंकि एक संख्या दूसरी की, यानी पहली वाली संख्या डिपेंड कर पर है, डिपेंड कर पर है, तो जब दूसरी मानेंगे तो पहली मिलेगी, तो हम कहेंगे 80x/100, 1 0 से 0, 2 से काटा 2 6, 2 से काटा 2 5 6,
तो आ गया 4x/5 आ गया। अब आपने कहा इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग अगर आप इसका वर्ग करोगे तो आएगा 16x/25 मिल जाएगा, और धन यहां आएगा एक्स का वर्ग नहीं आएगा भाई, इसका वर्ग इतना आएगा ना, ऊपर का भी वर्ग हो ऊपर का वर्ग आएगा 4×16 एक्स का वर्ग एक्स वर्ग, और बराबर आना चाहिए 164, क्या आना चाहिए। अब लघुत्तम कितना आएगा 25, कितना आएगा नहीं आएगा, लघुत्तम 25 आएगा, ये 16x वर्ग है ये 25 वर्ग हो जाएगा, तो 25x का वर्ग 16 41 हो जाएगा, सो हम कहेंगे 41x का वर्ग बटे 25, 25 ऊपर चला गया 41 नीचे आ गया, अब 41 से कितने बार, चार बार, 41 का चार बार, x का वर्ग बराबर 100, वैल्यू क्या की चाहिए x की, सो ये आ गए 10, कितने आ गए, तो अब हमारे पास ये संख्या आ गई 10, कितनी आ गई, हाँ या ना। अब आपने कहा है कि इसका 80% कितनी आएगी 8, सो आएगी 8 और 10, सही है। देखो भैया फिर नया टाइप, लेकिन टाइप बस नया है, टाइप का मतलब ये है कि ऐसे सवाल भी आएंगे, लेकिन अब यहां पर आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि टाइप में कोई सवाल बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, देखना जरा आप सवाल सुनना और जैसा सवाल आप करें, अच्छा एक काम करो 5 मिनट के अंदर एक बार भिन्न वाले सवाल करके देख लो जरा जल्दी, क्योंकि भिन्न वाला एक सवाल आपके एग्जाम में आने ही आना है, जल्दी करके देखो।
कुछ क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? मेन आपको क्लियर करना है लैंग्वेज। तो घर में इतने बार सवाल करो कि आपका गुआ भाग में हैंड फ्री हो जाए। बेटा एक बात याद रखना, मैं रोज आपसे मेरे को रट्टू तोता की तरह बोलता हूं, कई बार लड़के लड़कियां स्वयं गलतियां करते हैं, बाद में सिलेक्शन नहीं होता और बाद में दुश्मनी निभाते हैं टीचर से। इसमें कोई सार नहीं है। अभी चार महीने आपके पास में, बढ़िया मेहनत करो आप। ओके चलिए आते हैं अगला सवाल। भी कुछ चीजें उनको नेचुरली क्लियर होती हैं। हमने हमेशा कहा, अब थोड़ा सा सबका मन, हमने आपसे हमेशा कहा कि जो किताब का है, जो सवाल का है, हमें वही करना है। सवाल जोड़ना का है, हमें जोड़ना करना है, घटाना कहे तो। अरे क्लियर है? सवाल बचत को लेके चले तो बचत करना है, सवाल खर्च को लेके चले तो। अरे क्लियर है? देखो आप, पीहू अपने मासिक वेतन का 20% बचाती है। अरे भैया जब 20% बचाती है तो निश्चित बात है कि 80%, हाँ या ना? अब 80% खर्च करती है, 20% बचाती है। अब तय आपको करना है कि आपको 80% लेके चलना है या 20%। अब उसका मासिक व्यय, व्यय यानी खर्च, हाँ या ना? उसका हर महीने खर्चा 6,000 रुपया है। खर्चा कितना है? आवाज नहीं आ रही है, हाँ या ना? तो अब हम कहेंगे, मान लेते हैं कि उसका वेतन कितना है, पक्का? आप कह रहे हैं 80% खर्चा है और आप कह रहे हैं 20% बचत है। ओके, अगर सवाल कहता इतने बचते हैं तो हम कहते एक्स का 20%, लेकिन उसने बचत नहीं बताई, उसने क्या बताया? खर्चा। तो हम कहेंगे कि उसकी आय का 80% बराबर 6,000, हाँ या ना? आय का 80% बराबर, अरे क्लियर है? वैल्यू कह की चाहिए, एक्स अरे यार एक्स बराबर 7500, सुन लीजिए सारे लोग, एक्स बराबर 7500 यानी उसका वेतन आ गया 7500 और उसका खर्चा कितना है 6,000। तो निश्चित बात है उन्होंने पूछी बचत, बचत कितनी 1500। अब आगे बात सुनिए, हम लग रहा बोर हो गए आप लोग, ऐसा माहौल कतई नहीं बनाना, बोर होने वाला कतई माहौल नहीं बनाना, हम तुरंत क्लास को बाउंस कर देंगे, ध्यान रखना इस बात का। हाँ आगे, रमा की कुल रुपयों में से 20% धन खो गया, 20% खो गया, उसके पास कुछ धन था हमें नहीं माल, हाँ या ना? एक बात याद रखिएगा, हमेशा जैसे तनख्वाह थी, हमारी पहले तनख्वाह थी फिर बढ़ गई, तो जो बढ़ गई फिर वही 100% हो गई, अब उसमें बढ़ गई फिर वही 100% हो गई, यानी एट प्रेजेंट वही 100% होती है। आपने कहा कि रमा के पास कुछ धन है, हमने मान लिया धन कितना है एक्स, पक्का? अरे क्लियर है? अब देखिए 20% धन खो गया, यानी 80% धन बचा, नहीं आ रही बात सुनिए, 20% खो गया इन द सेंस शेष का, अब जितना बचा शेष, शेष का 25% खर्च किया, 75% बचा। अरे जितना बचा था उसका 25% खर्च किया, तो उसका 75% बचा क्या नहीं बचा? और बचा कितना उसके पास? 480 रुपए बचे हैं, 480 रुपए, यानी हमें बचे लेके चलना है। क्या लेके चलना? सवाल बचत दे रहा हो तो हमें बचत का मोड लेके चलना है, यानी हम कहेंगे कुल धन कितना है एक्स, इसका हमारे पास बचा है 80%। ओके, क्यों? क्योंकि 20% क्लियर है? अरे क्लियर है? अब इसका भी
75%, क्योंकि यही शेष है और इसका 75% बचा है, और एक्चुअली हमारे पास बचा कितना है 480। अब कितने लोग कहते हैं बनेगा भैया, अब एक्स जल्दी करो, सवाल नंबर कहां गए बन 131, ठीक है ठीक है, जल्दी करो, आ गया है। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है भैया, 75% खर्च करता है माना 25% बच गए, नहीं आ रही बात सुनो, अच्छा खेल जैसा मूड बना, बिल्कुल 75% खर्च करता है मतलब 25%, बेटा समझ में नहीं आती बात, क्या कर रही है बताओ, सही जवाब देना ताकि बच्चों को पता चले, खड़ी हो खड़ी हो बोलो तो खड़ी हो, सही जवाब दो, क्या कर रही, हाँ पिछले वाला कर रही हूं, तुम्हें यह डर नहीं कि अगले वाला निकल जाएगा, और तीन बार हम तुम्हें इत्तला दे चुके, सामने देखो काम बंद कर दो, दे चुके इत्तला, क्या कर रहे हो, क्या तरीका है ये, बैठ जाओ, या तो स्पीड भी मेंटेन करो, और ये स्पीड घर से आती है, आप सोचो हम यहां गुणा करना सिखाए, नहीं आएगी स्पीड। अब देखें, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, उसकी आय और खर्च 10% बढ़ा ले, अभी रोक लो, अलग टाइप का सवाल है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप, ठीक है। यह देखें, अनिल ने अपने मूल वेतन में 10% वृद्धि कर दी, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसने वेतन उतनी ही राशि प्राप्त हुई, अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई, अब देखना 10% अब नहीं दिया हमें कि कितनी वेतन थी, लेकिन 10% वेतन का हो गई बढ़ गई, हम मान ले रहे हैं हमारी वेतन कितनी थी 100, पक्का हमारी वेतन कितनी बढ़ गई, अरे जवाब तगड़ा 10%, यानी हमारी वेतन हो गई 110%, यानी फाइनली हो गई 110, पहले थी 100, अब हो गई 110, अब हमें कितनी मिलना थी, मिलना थी, लेकिन कंपनी वालों ने हमें जस की तस 100 दी, कितनी दी, यानी हमें 10 रुपए नहीं दिए, हमारी वेतन के 10 रुपए, अरे क्लियर है, लेकिन ये 10 रुपए कितने पर नहीं दिए, 110 पर, कितने बार, क्योंकि हमारी वेतन है कितनी, अब 110 है, तो अब जो नहीं मिले वो 110 पर 10 नहीं मिले तो प्रतिशत बताइए, 1 0 से 1 0 कट गए, नहीं बनेगा, अब आ गई नवा सामने, आप ये नहीं कहेंगे कि 10% नहीं, यहां देखो देखो, इसको भी बोला मान लो, भी ये डिफरेंट टाइप के सवाल हैं, यहां पर धोखे से पेस्ट हो गए हैं, अभी रोक लो इन सवालों को, अभी करा देंगे, सवाल सरल है, कठिन नहीं, लेकिन सीरियल में नहीं फंस रहे हैं ये, निखिल ये बढ़ा दिए ना बने, हाँ, नारायण अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन पर तथा परिवहन पर, परिवर्तनीय जो परिवहन था यहां, इसके बाद शेष में से 1000 रुपए मकान किराया देता है, और अंत में उसके पास 1800 रुपए बचते हैं, अब देखना बचते हैं, तो हमने कहा उसका वेतन कितना था एक्स, एक्स का 30% शिक्षा पर चला गया, का 70% बचा, जब इतना बचा तो बचे का 50% खर्च किया, बचे का 50% खर्च किया तो बचे का 50% बचा, ऐसे नहीं है, अरे क्लियर है,
फिर बच गया 50%। ओके अच्छा, जब इतना हो गया और इतना हमारे पास बचा, जब आप फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो आपको होगा 1, 2, 1, 2, 7, 9, 35, 35x/100। इतना पैसा बचा, और जब इतना पैसा बचा तो इसमें से भी 1000 रुपया और निकाल लू, है ना, 1000 रुपया और अलग कर दो। क्यों? क्योंकि जी काय में दे दिए मकान किराए में, काय में दे दिए, अरे क्लियर है। और अब जो फाइनल बचे वो बचे 1800, नहीं बचे, अब इसको यहीं छोड़ दो, सुझे हो गए 2800। सो 35x/100=2800। सो ऊपर गए, 35 नीचे आ गए, चलो यहां देखें, आप सब लोग यहां देखें, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20%, फिर वही बात 5% दान तो 95 बचे, उसका भी 20% बचत बैंक में जमा कर दिया, सो उसका भी 80% बचा, और बचे कितने, बन जाएगा, नहीं बनेगा पक्का। सुनी सुशीला अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर देती है, माने 80% बचे, शेष का 70%, माने शेष का 30% और बचा, नहीं बचा, और 3600 रुपए की बचत करती है, सवाल करो। क्या आवाज नहीं आ रही है? सारे लोग यहां देखें, अब देखो सारा सवाल आ गया बिल्कुल। अच्छा एक बात और सुनो सारे लोग प्लीज, एक शब्द सुन ले, मान के चलिए ए है और बी है, इसकी आय है 200 और इसकी है 250, सिंपल सवाल है, ए की आय कितनी है, इनकम 200 है, और बी की इनकम, अरे क्लियर है। अब यहां हमारा कहना यह है, अगर कोई कह दे बी की आय ए की आय की कितनी परसेंट है, हमने कम या ज्यादा नहीं कहा, हमने कहा बी की आय ए की आय का कितने कितने माने एक्स परसेंट है बराबर, नहीं बनेगा, ये दो जीरो कट गए, ये दो नीचे हो जाएगा 125%, नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा पक्का। लेकिन अगर इसी को कहा जाए कितने परसेंट कम है या कितने परसेंट ज्यादा है, तो हम कहेंगे अगर ज्यादा पूछ रहे तो 50 ज्यादा है, ज्यादा निकालने के लिए बेस कम को बटे 200% बताने के लिए, नहीं आ रही बात समझ में। अगर कोई कहे कि कितना कम है तो हम कहेंगे 50 कम है, कम बताने के लिए बेस ज्यादा को, तो कितने परसेंट है बात अलग है, तो कितने परसेंट कम है बात अलग है, नहीं आ रही बात समझ में, अरे क्लियर है। सवाल, ए का वेतन बी के वेतन का 60% है, तीन लोग हैं देखो पूरे सवाल में, ए बी सी पक्का। अब ए कह रहा है, ए कह रहा है कि हम तो बी का 60% है, 60% कम है नहीं, यह 60% ज्यादा है नहीं, ज्यादा कहता तो 160, 60 कम कहता तो 40, सुन रहे हो, लेकिन सीधा क्या कहा, ओके
बी का वेतन सी के वेतन का 75% है, बी कह रहा है कि हम तो सी के 75% के बराबर हैं। पक्का? हम तो सी के, अरे क्लियर है? अब देखे ए का सी के वेतन का, ए का वेतन, चलिए टाइपिंग मिस्टेक है, अपन क्लियर कर लेते हैं, ए का वेतन सी के वेतन का कितने परसेंट है, या सी का वेतन ए के वेतन का कितने परसेंट, दोनों सवाल हल कर ले रहे हैं। अगर टाइपिंग मिस्टेक है, अपन दोनों सवाल हल कर ले रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं डिपेंड किस पर है, और कोई क्वांटिटी हमें नहीं दी है, तो आप मान लो 100 हो गए, 100 का 75%, हाँ या ना? अब 75 का 60% निकालो, 75 का 60% कटे ना तो ना कटने देना, घबराना नहीं। 45 अच्छा कभी ना कटे ना तो घबराए मत, करो बटे ही में लिख दो ना। अगर आ गया 13/5 तो यहां 13/5 लिख दो, क्या दिक्कत है? अब देखो, अब आपने कहा ए का वेतन, सवाल ऐसा पढ़ते हैं, ए का वेतन सी का कितने प्रतिशत है, ए का वेतन सी का कितने परसेंट है, परसेंट अलग, 100 से 100 कट गए 45, उल्टा कह देते, सी का वेतन ए के वेतन का कितने प्रतिशत है, पक्का? Yes, तो आपको लैंग्वेज पढ़ते बनेगी कि नहीं बनेगी? अगला सवाल, ए ने बी से 50% अधिक कमाया, पक्का? देखो पूरा सवाल यदि हम पढ़ें तो तीन लोग हैं, ए है, बी है और सी, पक्का? Yes, ए कह रहा है कि हम तो बी से 50% अधिक, इन द सेंस बी का 150%, बढ़िया बोलो यार, बी का 100 लिख दे रहे हैं यहां, बी का 150%, बी ने सी से 20% कम कमाया, यानी सी का 80%, पक्का? अब हमें सी पता नहीं है, तो हमने कहा सी हो गया 100, अब 100 का 80% हो गया 80, 80 का 150% 120, जे हो गए 120। अब ए ने सी से, ए सी और कोई से मतलब नहीं है, कितना अधिक कमाया, 20 रुपया अधिक कमाया, लेकिन 20% नहीं, अभी तो रियल क्वांटिटी 20 रुपया आया। अच्छा, अधिक निकालने के लिए बेस कम, कम कौन है, है बेस बनाइए कम को, तो प्रतिशत बताने के लिए, पक्का? अब आएगा आंसर 20%, नहीं आ रही बात, आ रही है, नहीं बनेगा। अगला सवाल, अब देखिए खेल बनेगा कि नहीं। अच्छा ईमानदारी बताइए, जब आपने ये सवाल करे नहीं थे और आपने हैबिट नहीं डाली थी, इन्हीं सवालों में कैसा लग रहा था? ये ऐसा लगता है यार, ये सवाल समझ में नहीं आ रही, कितना कम है, कितना ज्यादा है, किससे कौन ज्यादा है, एक लाइन में सवाल खत्म है। और यही सवाल एग्जाम में आते हैं। आगे, अगर आदित्य का वेतन अमित के वेतन से 25% ज्यादा है, सुन रहे हो? देखें, ये रहे आदित्य, आदि लिख दे रहे अपन, ये रहे अमित, आदित्य का वेतन
अमित के वेतन से 25% ज्यादा है तो हम अमित का मानेंगे 100, तब जाकर ये आएगा 125। उल्टा अगर ये डिपेंड इस पर होता तो हम इसे मानते हैं। हाँ ना, अब आपने कहा तो अमित का वेतन आदित्य के वेतन से कितना कम है, 25 कम है, कम निकालने के लिए बेस ज्यादा को कितना आएगा, तो तेज आवाज, ओके आगे। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, देखो आप, ये रहा ए, ये रहा बी, ए की आय बी की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। पहली बात, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी ए डिपेंड है बी पर, ए डिपेंड है। उस सवाल में हमें कहीं कोई क्वांटिटी दी है क्या? मैडम अभी मैंने सवाल करने को नहीं दिया है, मैं आपका बैग बाहर फेंक दूंगा, आप कहेंगे कि सर का स्वभाव ठीक नहीं, सर घमंडी आदमी है। मैंने किसी से अभी आपसे सवाल करने को नहीं कहा है। अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, सच बताइएगा, स्वभाव हमारा खराब है या हरकतें आप लोग खराब करते हैं? सच बताना, एक बात का बिल्कुल न्यायिक तौर पर जवाब देना। ऐसा वो लड़का या लड़की बताइए जो किसी तरीके से हमारे आदेश का उल्लंघन ना कर रहा हो और हम आयो कहो तो भगो कहते कभी, और आप डायलॉग मारते हमने कुछ नहीं किया, हम इतना बढ़िया तुम्हें लाइन सिखा रहे हैं तुम लिख रहे हो, क्या हो जाएगा? इसलिए हरकत कंट्रोल रखो। ए डिपेंड है क्या, तो हमने बी को माना 100, अब 100 का 110% कितना आया, अरे क्लियर है। अब आपने कहा कितने परसेंट कम है, तो पहली बात तो रियल कम कितना है 10, कमी निकालने के लिए बेस ज्यादा को, हाँ ना, प्रतिशत बताने के लिए गुणे 100, क्लियर है। चलो अगला सवाल आप करने वाले हैं, करो। कितना, अगर किसी का आंसर नहीं आया हो तो तुरंत शिकायत दर्ज करें, बताओ। चलो 43 नंबर सवाल करो। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, इन द सेंस ए डिपेंड है बी पर, बी मानोगे 100 और ए हो जाएगा 130। चलिए, हाँ श्रीमान जी बता पटेल सब, क्या दिक्कत है, क्या हो गया? अरे बोलो तो, हमें नहीं समझ में आया क्या कह रहे, हमने ये कहा 143 नंबर, ये लिखा स्क्रीन पर, नहीं हुआ 144 नंबर। अब देखो, अब यह पैसे नहीं, कमाई नहीं, आयु नहीं, ऊंचाई आ गई, गलत को से लेना देना, ए की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 7%, यानी कि अनिल का ऊपर डिपेंड है, दीपक क्या मानो 100, अनिल का हो गए 100। अब आपका कहना क्या है, ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, कम है इन द सेंस रियल कम है 60, रियल कम है, कमी निकालने के लिए बेस ज्यादा को, ज्यादा माने जिन दो में हम तुलना कर रहे हैं उनमें ज्यादा कौन है, कितने लोग कहते हैं बनेगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अब बोर्ड पर, बोर्ड पर ए की आई बी की आई से 20%, फिर से बोलो, अच्छा तो बी की आई कितने प्रतिशत आधे के, इन द सेंस हमें पूरे सवाल में कहीं कोई क्वांटिटी जब नहीं दी है तो डिपेंड हम हो गए 100 बार, ए डिपेंड कई बार है, बी क्या मानोगे 80 आएगा,
आपने कहा कितने प्रतिशत आधे गए? पहले तो रियल आधे गए 20, रियल आधे गए 20, आधे के निकालने के लिए बेस कम कौन बनेगा? सुनाई नहीं दिया। अब देखिए, अगर आप ग्रेथ नहीं जानते तो कोई कहेगा जब 20% कम है तो 20% अधिक है। परसेंटेज में ऐसा नहीं होता, कम रहता है 20 तो ज्यादा रहता है 25, ज्यादा रहता है 25 तो कम रहता है 20, लेकिन निकालना पड़ता है। अगला सवाल देखें, ए की आय बी की आय से 25%, ए की आय बी की आय से, कई बार उल्टा हो जाएगा, बी की आय ए की आय से 25% कम है, तो आपको समझ जाना है कि बी डिपेंड है ए पर, बी डिपेंड है, लेकिन इस सवाल में ए डिपेंड है बी पर, तो बी को मानेंगे 100, कितना आएगा जल्दी करो बोलो। नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। अच्छा खुलकर जवाब दिया करो, मुस्कुराकर जवाब दिया करो। अगर कोई चीज में हम सक्सेस हैं तो आपकी मुद्रा जो है, जो आपके चेहरे का मुद्रा है, वो एक्चुअली एकदम खुश नजर आना चाहिए। हाँ सर, हमसे बन रहा है, क्लियर है। अगला सवाल, ए की आय बी की आय से 50% है, नहीं 50%, क्लियर है। तो ए की आय का डिपेंड है बी को, क्या मानो ए कितने हो गए 50। अब आपने कहा कितने प्रतिशत आधे के, तो पहले तो रियल आधे के 50, कितना और आधे के निकालने के लिए बेस कम को, कम कौन है 50, यानी 100%, क्या आएगा? नहीं आएगा। अगला सवाल कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से नहीं बनेगा, ए डिपेंड काय पर है, तो ए क्या बी क्या मानोगे? ए कितना हो गया 130, पक्का? अब क्या कह रहे हैं कितने प्रतिशत कम है, कम रियल कम कितना है 30, रियल कम कितना है 30, 100 है, एक 130 है। अब कमी के लिए बेस ज्यादा, ज्यादा कौन है 130 बोलो। यदि हेमा का वेतन 25% अधिक, बताओ बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। अरे क्लियर है। अगला सवाल, यदि नीता की आय 40% कम है, नहीं बनेगा, पक्का? क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखें, प्राची की आय पीयू की आय से 25% देखें, तो पीयू की आय कितने परसेंट कम है 100 है, एक 125 है, रियल कमी है 25 की, 25 की कमी है, तो बेस बनना है ज्यादा को, नहीं आएगा। अरे क्लियर है। और अगला सवाल देखिए क्या आया, यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से, प्रियंका है और वैशाली है, उसके 20% कम है, यानी एक के 100 है एक के 80 है, हाँ या ना? आप कह रहे कितने प्रतिशत आधे के, पहली बात तो आधे के 20, आधे कितने है, लेकिन 20 आधे के, आधे के निकालने के लिए बेस कम को, ओके कितना? अच्छा ये सवाल टोटल गए हैं कहां तक, 57-56 तक। आप अभी के अभी सुन लीजिए सारे लोग, 56 से उल्टे क्रम में कहां से शुरू करे थे बनने, इस टाइप को, इस टाइप वाले 138, 138 तक पहले सुन लें फिर काम करें। जब आप सवाल करें तो आपको पूरा डाटा लिखना है, बाउंस नहीं करना है, ए लिखना है, बी लिखना है, ए को मानना है, बी को मानना है, कितने अधिक है वो भी लिखना है, कितने कम है वो भी लिखना है। यानी जब हम आपकी कॉपी चेक करने आए तो हमें पूरा सवाल दिखना चाहिए, क्लियर है? करिए, उल्टे क्रम में करना है, 156 से उल्टे क्रम में करना है। सब सवाल अभी करके देखिए, और अच्छी सफाई से लिखिएगा। Thank you.
आज अपना सवाल शुरू कहां से करे थे? थैंक यू।
होंगे सवाल, ये बच्चे हैं हो रहे हैं, करिए पूरे सवाल करना है बिल्कुल ए टू जेड, मतलब जहां तक हमने आपको दिए हैं, और एक एक सवाल पूरा लिखना है आपको, आपको पता होना चाहिए कि आप कर के आ रहे हैं और सवाल आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। सुन रहे हो ना?
असहाय हो गए होंगे सवाल। देखिए मैंने आपको इसलिए यहां पर ये सवाल करवा दिए, कंप्लीट करा दिए। अब देखें जरा इनकी यूज पूरे सारे अध्याय में है। जैसे जैसे अभी आपको क्षेत्रफल वाले का अध्याय मिलेगा जहां पर कहा जाएगा इस जमीन के टुकड़े का क्षेत्रफल इससे 50% ज्यादा है। ब्याज में मिलेगा कि एक रकम इतने परसेंट पर दी गई लेकिन दूसरी रकम इससे 10% बढ़ाकर दी गई। आपको जो दूरी और चाल का अध्याय आएगा वहां कहा जाएगा कि एक गाड़ी चल रही है और दूसरी गाड़ी की स्पीड इससे 20% ज्यादा है। हमारी बात समझ रहे हो? यानी इस टाइप का इस्तेमाल केवल और केवल परसेंटेज में नहीं, हर जगह इसका इस्तेमाल होना है। इसलिए इसकी तो हैबिट बना लेना आप। अरे क्लियर है? ठीक है। अब एक नया टाइप, पहले तो ये बता दो ये क्लियर है, क्योंकि अगर ये क्लियर है तो अगला समझ में आएगा, अदरवाइज अगले में दिक्कत आएगी। सवाल कठिन नहीं। और एक बात, सारे बच्चे एक बात समझ लें, कभी भी आप इस बात को महत्व ना दें कि हमने कितना पढ़ा, इस बात को महत्व दें हमने क्या सीखा। समय हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन कब ज्यादा अगर मेहनत अच्छी करें। हमें यह नहीं करना कि बहुत सारा पढ़ लिया ऊपर चले तीन टाइप पढ़े तीन ही बाउंस हो गए। तो पहली बात, ये वाला टाइप जो छठवा आ रहा है ये भी बिल्कुल बातों में सोल्व होने वाला, परसेंटेज का लेसन अब पूरा का पूरा केवल बातों में हल होने वाला है। क्योंकि या तो परसेंटेज लगाना है या परसेंटेज हटाना है, या तो बढ़ाना है या घटाना है, इससे ज्यादा पूरे परसेंटेज के लेसन में कुछ नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन अब यहां पर क्या होता है कि जो अगला टाइप सवाल आ रहा है इसमें एक नई बात, थोड़ी सी नई बात आ जाती है। क्या नई बात आ जाती है? जो आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि आप अपने घर में एक बजट बना करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हमें रोज 50 रुपए के फल खाना है। कितने रुपए के? आपका बजट है कि आप 50 रुपए के फल खाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि फल सस्ते हैं, मान के चले कि 25 रुपए किलो अंगूर हैं, तो आप बाजार गए आपने कहा 2 किलो दे दो। लेकिन कभी कभार ऐसा हुआ कि 50 रुपए किलो हो गए तो आपने कहा कितना दे दो। फिर वही और महंगे हो गए आपने कहा कि 100 रुपए किलो हो गए आपने कहा 0.5 किलो दे दो। क्यों? क्योंकि आपका बजट निश्चित है, आपको अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है। तो दो शब्द आते हैं, एक खपत और एक खर्च। कितने वर्ड आते हैं? दो वर्ड आते हैं, एक खपत है और एक खर्च है। क्या क्या कहा हमने? खर्च होता है पैसा और खपत होती है वस्तुएं। जैसे आप चीनी खाते हैं तो चीनी की खपत होती है, गेहूं की खपत होती है, चावल की खपत होती है, तेल की खपत होती है, और पैसा खर्च होता है। पैसा अब हम पैसे को रखते हैं कॉन्स्टेंट, यानी पैसा ना हमें बढ़ाना है ना हमें, अरे क्लियर है? कई बार हम बाजार गए 10 रुपए किलो आलू थे, हम बाजार गए पता चला 8 के हो गए। क्या पता चला? 8 के हो गए। अरे आलू कितने के हो गए? 8 रुपया के आलू हो गए। हमने दुकानदार को 10 का नोट दिया, दुकानदार ने कहा भैया हम 1.25 किलो रख दे रहे। हमने कहा ठीक है 10 ही रुपये के रख दो। हमारा टारगेट क्या था? 10 रुपया। टारगेट क्या था? हमें 10 का नोट खर्च करना था, तो आलू का आ गए एक्स्ट्रा है ना। वहीं पर अगर चीज महंगी हो गई होती तो हम क्या करते? कम कर लेते। नहीं यार वासु, तो अब यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखना है, एक फार्मूला को याद रखना है कि जितनी रेट से वस्तु महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए उसे हम कहते हैं आर। क्या कहते हैं? मान के चलो कोई वस्तु 10% महंगी हो गई, 10% तो आर का वैल्यू आ गया 10। कई बार वस्तु 10% सस्ती हो जाती है तो आर का वैल्यू आ जाएगा 10। हमारी बात समझ रहे हो? बोर हो गए आप लोग यार।
बोल रहे हो। देखिए तो 10% आप देखिए, चाहे वस्तु महंगी हो चाहे वस्तु सस्ती हो, आपको यह याद रखना है कि आपकी वस्तु या तो महंगी हो रही है या सस्ती, किस रेट से हो रही है, किस दर से हो रही है, उसे कहना है आर। क्या कहना है? आपके पास दो फार्मूले हैं, एक का नाम है आर बटे स्वधन आर, आर बटे, और एक का नाम है आर बटे सो ऋण आर। सुन रहे हो? क्या कहा हमने? एक बार फिर से बोलो। पहला फार्मूला क्या है और दूसरा फार्मूला क्या है? अरे क्लियर है? यहां आर है क्या? जितने से वस्तु महंगी हो रही हो या जितने से वस्तु पक्का? अरे क्लियर है? अब यहां हमारा कहना यह है कि आप इसे हल करने के बाद जितना भी आए गुणा कर दो 100 से, 100 आ गई परसेंटेज। क्या आ गई? क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100 गुणे। अरे क्लियर है? तो फार्मूले दो बने, आर बटे स्वधन आर गुणे 100 या आर बटे सौ ऋण आर गुणे 100। अच्छा एक बात, जब वस्तु महंगी हो जाएगी तो आप उसकी खपत कम कर देंगे ताकि हमारा पैसा खर्च ज्यादा ना उतने। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई व्यक्ति पान खाता है और वो व्यक्ति क्या करता है कि 10 रुपए के पान खाता है, जो 2 रुपए का पान आता था 5 पान खाता था, फिर 3 रुपए का पान हो गया 3 पान खाने लगा, 5 रुपए का पान हो गया 2 पान खाने लगा, 10 रुपए का पान हो गया 1 पान खाने लगा, रुपया 10 ही है। पहले 5 पान खा रहा था, फिर 3 पान खा रहा, आज फिर 2 पान खा रहा, फिर अरे क्लियर है? तो हमारा कहना यह है कि पैसा ना बढ़े ना घटे, पैसा ना बढ़े। इस कंडीशन के लिए हम दो फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, आर बटे सौ धन आर और आर बटे। क्लियर है? उल्टा है, जब वस्तु महंगी हो जाए वस्तु तो आप खपत क्या करोगे? और ज्यादा कम करोगे? तो कम करने के लिए धन वाला फार्मूला उल्टा है। अभी अपन कर रहे थे ना, अगर वृद्धि निकालना है तो वेस कम को, कमी निकालना है तो वेस ज्यादा को, ऐसे ही वस्तु महंगी हो जाए तो हमें खपत कम करना है, कम करने के लिए फार्मूला ये लगेगा। अगर वस्तु सस्ती हो जाए तो हमें वस्तु को ज्यादा खाना है, हा ना, फार्मूला लगाना है। ये वाला फार्मूला लिख के देखो, ये सवाल कल कर लें, क्रिया क्यों जल्दी जाना भी है, बाहर जाना है, क्योंकि आधे हो पाएंगे आधे नहीं हो पाएंगे सवाल, ठीक है? इनको कल ही कराएंगे, कल मौलिक अधिकार भी शुरू कराएंगे और कल इनको वन ए टू ये पूरे के पूरे 20 सवाल है, लगभग 20 करा देंगे। चलिए कल करते हैं बन, सॉरी परसों है, वो तो कह दिया है हमने कि कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, तो कल का मतलब है नेक्स्ट डे, हाँ है ना? तो अब ये अनपढ़ गवारो टाइप की बातें नहीं किया करो, जब उन पढ़ते हैं ना तो जैसे सुने हो, हम कहें कल पढ़ाया था, कल पढ़ाया था मतलब लास्ट क्लास, अब 5 दिन पहले भी लास्ट क्लास लगी थी तो मैंने यही कहते कल पढ़ाया था, और अब कल क्लास लगेगी का मतलब है जो चीज आपको सूचित कर दी गई है कि कल, अब कल हम अगर नहीं आ पाएंगे तो कल क्लास आपकी हमने रोक दी है, हम आपको ये नहीं चाहते कि हम ना पाए पता चला फिर यहां से वापस जाए और गालियां देते जाए, कि हमने कई बार समय बचाने का प्रयास किया, कई बार अपन ने प्रैक्टिकल किया कि एक काम करो तुम लोग आ जाना यार, अगर हम आ जाएंगे तो पढ़ा देंगे और नहीं आ पाए तो आप लौट जाना, इससे क्या तो नुकसान उल्टा होता है। अब कई बार क्या होता है, हम आ जाए तो क्लास लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं कि अब घर से कहां तक आ गए,
क्लास तक, सर नहीं आ पाए लौट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अरे यार बताओ सर ने बुला लिया, हम तो प्रधानमंत्री लेवल के, इतना बड़ा करोड़ों का नुकसान हो गया, सर को बता देना चाहिए था पहले से, इससे अच्छा ये कि छुट्टी, ठीक है तो हमारी मुलाकात होगी परसों, ठीक। अब हम संडे को क्लास छुट्टी के दिनों में क्लास लगाएंगे तो मन ये चीजें कवर करते चलेंगे, ठीक। सुनो संविधान का रिवीजन करके आइएगा परसों।